कांग्रेस नेता विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, जैसे सिंधिया चल रहे हैं बीजेपी में ऐसा नहीं चलता। लक्ष्मण सिंह ने कहा, जयवर्धन सिंह को ग्वालियर चंबल में आगे कर दें तो 2023 में ज्योतिरादित्य का एक भी समर्थक जीत नहीं पाएगा। कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस से भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी में जयवर्धन सिंह ही नहीं कई युवा नेता हैं जो किसी को भी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जयवर्धन सिंह ने ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत मेहनत की है। जयवर्धन को यदि हम आगे करते हैं तो वहाँ आज की स्थिति में कांग्रेस 70 और भाजपा 30 है, वहां मिलकर काम करें तो हम ऐसी स्थिति ला सकते हैं कि 2023 में सिंधिया का एक भी समर्थक जीत नहीं पाएगा। जो महापुरुष अपने 17-18 विधायकों को लेकर भाजपा में गए हैं, वे हमारी पार्टी में थे, हम उनकी आदतों को जानते हैं, वे अपने आप को दूसरों पर थोपने में माहिर हैं, वे किसी को अपना बॉस नहीं मानते, वे खुद अपने आप को बॉस मानते हैं, भाजपा में यह नहीं चलता। लक्ष्मण सिंह ने कहा, उनका अपना संगठन काम करता है, आने वाले समय में उनके बीच टकराव और बढ़ेगा। उन्होंने शिवराज सरकार को लेकर कहा कि भाजपा ने सबसे बड़ी गलती कमलनाथ सरकार को गिराकर की है, सारे विधायकों को इस प्रकार से अपने पक्ष में किया वे सबको पता है। देखिए, बीजेपी ने एक सबसे बड़ी गलती क्या की, सरकार गिरा दी और सारे विधायकों को अपने पक्ष में करने का एन प्रक्रिया किस तरह किया आपको मालूम है। ये आने वाला समय दिखाएगा कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई है। उपचुनाव के नतीजे भले इनके पक्ष में आ गए हों, कैसे आए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इससे जो दरार भारतीय जनता पार्टी में पड़ी है, जो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो जेल गए, इनके परिवार जेल में गए, जो समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, आज उनके मन से पूछिए, कभी आप तो जानते हैं, ये दरार पड़ी है, क्योंकि जो महापुरुष उसमें गए हैं पार्टी में 17-18 विधायकों को लेके, वो उनकी आदत हम जानते हैं, हमारी पार्टी में वो रहे हैं, वो अपने आप को दूसरों पे थोपने में माहिर हैं, उनकी आदत है, वो किसी को अपना बॉस नहीं मान सकते, वो खुद अपने आप को बॉस मानते हैं, इस पे हिम्मत वाली बात नहीं है। 14 या 15 मंत्री बनाए गए थे जो उनके समर्थक थे, वो मंत्री पहले भी थे और चले गए तो भी उनको मंत्री बनाए, फर्क क्या हुआ? 14 मंत्री बना के कमलनाथ जी ने एक और इससे ज्यादा और क्या था, कोई अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करके तो नहीं कह देगा आप बैठ जाओ, वो तो वहां शिवराज सिंह जी भी नहीं कहने वाले, तो जैसे थे यहाँ वैसे ही वहाँ है, तो फर्क क्या पड़ा? बल्कि वहाँ जाने से उनको इतना नुकसान हुआ है, ये आने वाला 23 का चुनाव आपको बताएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।